दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोलॉजी सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। OnePlus 8T इसके स्पेसिफिकेशन आ गए हैं और कुछ इसके रेंडर्स भी आ गए हैं। वन लीक्स और प्राइस भवानी सारी चीजें लीक कर दी हैं एंड सब चीजें बताऊंगा क्या होने वाला है इसमें और क्या आपको मिलने वाला है। OnePlus 8T Pro नहीं आएगा, एक लीक बताया जा रहा था किसने बताया था कि OnePlus 8T Pro नहीं आएगा क्योंकि 8 Pro जो है ऑलरेडी 865 पे है और इतना ज्यादा महंगा है कि 8T Pro जाएगा ना तो थोड़ा ज्यादा महंगा हो जाएगा। चलिए उसकी तरफ जाते नहीं, ज्यादा बात करेंगे OnePlus 8T की जिसका बजट 40 से 45 हजार के बीच में होने वाला है और आपका बजट अगर उसके बीच में है तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है, चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या होगा स्पेसिफिकेशन एंड क्या चीजें पता चली हैं। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे पता देना कि तुम्हें पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो अगर चैट करना है मुझसे, कोई क्वेरीज है ऑन द स्पॉट अगर आंसर चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं सबको जवाब देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। चलिए सबसे पहले आज प्राइस बाबा और वन लीक्स ने मिलके कुछ रेंडर्स लीक किए हैं, फोटो साइड में आपको आते रहेंगे, वहां पे आप देखते जाइए। हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की। कहा जा रहा है कि एक सितंबर एंड होने से पहले इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा एंड ग्लोबली भी लॉन्च हो जाएगा, मतलब इसी महीने आने वाला है। प्राइस की बात कही जा रही है, बेस वेरिएंट जो होगा 8GB 128GB का वो 42-43,000 के आसपास ही आएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है OnePlus 8 के ऊपर। कुछ चीजें ऊपर की गई हैं तो कुछ चीजें नीचे भी की गई हैं, याद रखना है चीज, एंड बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है इसमें और OnePlus 8 में। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं तो OnePlus 8 याद है उसमें कर्व्ड डिस्प्ले था, इसमें फ्लैट डिस्प्ले आने वाला है जो कि अगेन 6.55 इंच का फ्लूइड एमोलेड का डिस्प्ले होगा। पंच होल साइड में दिया रहेगा लेकिन कर्व्ड नहीं होने वाला इस बार। HDR 10 प्लस का सपोर्ट होगा, गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको मिल जाएगा। रियर साइड पे क्वाड कैमरा का सेटअप होगा, OnePlus की ब्रांडिंग होगी। एक और सबसे बड़ा मेजर चेंज आने वाला है कि इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। अगर आप फोटोज देखो तो आपको देख के पता चलेगा कि इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आने वाला है जो कि एक मेजर चेंज होगा। OnePlus 6T से मेरे ख्याल से एंड्रॉइड डिस्प्ले आना चालू हुआ था एंड अब आपको इसमें मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब आते हैं चिपसेट पे। चिपसेट की बात कही जा रही है कि इसमें स्नैपड्रैगन 865 प्लस आएगा, वो तो था ही कि वही आएगा, 865 में था वो OnePlus 8 तो ये ऑब्वियसली 865 प्लस के ऊपर आने वाला था। ये पहला चिपसेट है जो 3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। ऑक्टाकोर है, 7nm प्लस पे बेस्ड है एंड 7nm प्लस पे बेस्ड है फैब्रिकेशन। एक कोर 3.1 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, बाकी 3 कोर 2.42 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, बाकी 4 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। सारे के सारे कोर क्रायो 585 वाले हैं, एड्रिनो 650 के साथ आता है, 600,000 के ऊपर स्कोर दे देगा आपको। अच्छी खासी गेमिंग, कुछ भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्मूथ एकदम, कोई इश्यूज नहीं है। एंड्रॉइड 11 आने वाला है जो कि उनके ऑक्सीजन ओएस 11 के ऊपर बेस्ड होगा, तो चलो अच्छी चीज है, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगी, यानी ब्लोटवेयर ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे और स्ट्रीमलाइंड होता है, तो परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में अप टू द मार्क होने वाला है। 42,000-43,000 के आसपास आ गया अगर तो अच्छी प्राइसिंग हो सकती है। कैमरास की तरफ आते हैं तो OnePlus 8 में जो है ना सेम वही कैमरास दिए गए, यानी 48 मेगापिक्सल सोनी का सेंसर रियर पे होगा, f1.8 का अपर्चर होगा, 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे। हाँ, बाकी वीडियो में कैमरा जो भी जितने भी फीचर्स होते हैं बुके पनोरामा HDR सब मिल जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं आएगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, रियर साइड पे फ्लैश होगा, स्लोमो भी रहेगा, तो सारी चीजें कर लो, कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा वाला सेंसर 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, तीसरा वाला आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलेगा। इस बार एक और सेंसर दिया 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, यानी कुछ खास नहीं किया, डेप्थ सेंसर चिपका दिया आपको, बाकी और कुछ चेंज नहीं किया है, बाकी सारी चीजें सेम है। बात करें फ्रंट कैमरा की तो वहां पे 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX616 का सेंसर मिलने वाला, उसका भी अपर्चर f2.0 का होगा, वहां से भी 1080 रिजोल्यूशन वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरामा HDR कर लोगे सब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अभी जितने भी होते हैं इफेक्ट सारे आ जाएंगे, मोस्ट ऑफ द आपको मिल जाएंगे। चलिए तो कैमराज डिसेंट होने वाले हैं अप टू द मार्क होंगे। दोस्तों बैटरी की बात करते हैं, 4500 mAh की बैटरी होगी, टाइप सी का पोर्ट होगा, देन उसके साथ साथ आपको 65 वाट का चार्जर इस बार मिलने वाला है। OnePlus 8 में 30 वाट का था, इस बार आपको 65 वाट का मिलेगा जो कि एक अपग्रेड है, तो यहाँ पे लंबा जंप मारा है, 30 से डायरेक्ट 65 पहुंच गए। एंड 4500 mAh की बैटरी अगर उससे करोगे तो मेरे ख्याल से 35-40 मिनट्स में कंप्लीट चार्ज हो जाना चाहिए। 34 मिनट का कुछ है Realme 7 Pro का, तो इसका भी एक्सपेक्ट करते हैं, सेम ही बैटरी उसमें भी है, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि 40 मिनट से पहले पहले आपकी बैटरी पूरी चार्ज कर दें। सेंसर्स की बात करते हैं, सारे सेंसर्स मिलेंगे लेकिन इस बार अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा आपको, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा,
जो कि आप इमेज में देख सकते हो, अच्छी चीज है। देन इसके साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, वंपास सारे मिल जाएंगे, उसमें कोई इश्यूज नहीं आएगा। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट होगा, कैमरा 2 API का सपोर्ट आएगा, जो कि अच्छी चीज है। देन उसके साथ साथ 3.5 mm जैक नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, लेकिन बाकी जितने भी सेंसर्स होते हैं सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे दोस्तों। एक और प्रॉब्लम, कार्ड स्लॉट नहीं होगा, यानी जितना मिलेगा उसमें ही आपको काम चलाना पड़ेगा, एक्सपांड नहीं कर पाओगे। तो 2 SIM कार्ड के स्लॉट होंगे बट SD कार्ड स्लॉट नहीं होगा। वेरिएंट 2 आने वाले हैं, कहे जा रहे हैं, पहला है 8GB 128GB, दूसरा है 12GB 256GB। प्राइसिंग मैंने बता दिया, बेस वेरिएंट का कहा जा रहा है 42,000 से 45,000 के बीच में होगा, वही अप्रॉक्स प्राइसिंग होगी जो अभी फिलहाल OnePlus 8 की थी, इससे ज्यादा नहीं करने वाले, क्योंकि कुछ चीजें अपग्रेड की हैं, कुछ चीजें डाउनग्रेड की हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो 865 प्लस करने के लिए ना उन लोगों ने 2-3 चीजें नीचे खींच ली है, और कुछ बढ़ाया भी नहीं है, टाइम के साथ बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाया भी तो नहीं है, ऑलमोस्ट एकदम स्टैग्नेंट ही रखा है। जो उनका स्पेक्स उसमें था उसमें भी कैमरा वही है, ठीक है, बाकी और कुछ खास बढ़ाया नहीं है, एंड पहले कर्व डिस्प्ले दिया था, इस बार फ्लैट दिया हुआ है, तो ज्यादा कुछ डिफरेंसेस है नहीं। देखते हैं क्या लेकर आते हैं, जैसे आएंगे वैसे इसके बारे में बता दूंगा। और कहा जा रहा है सितंबर एंड होने से पहले ये इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, पहले इंडिया में कहा जा रहा है, देखेंगे जैसे आएगा उसके बारे में बताऊंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, साइड में देखो बैठे मुझे नॉक्स पर क्लिक करके सपोर्ट करना है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे चैट करना है, कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम पे आके आप पूछ सकते हो मुझसे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।